बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैटर फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। आज डेट है जी 1 अगस्त 2024 और दिन है जी आज जुमेरात का। शाम का टाइम है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज मौसम ठंडा था, हवा भी चल रही है, बादल रहे हैं सारा दिन, तो कूल डे था आज। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटर फार्म पे आल ओके है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटर फार्म के ऊपर जो है वो न्यू इंट्रियों का सिलसिला जारी है। बछड़े माशाल्लाह आ रहे हैं और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो रबते में हैं जो हमसे भी बछड़ा लेना चाहते हैं, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ऑनलाइन भी बछड़ा देख रहे हैं। तो जैसे जैसे डीले हो रही हैं, जानवर जो है पेमेंटें हो रही हैं उनकी, और बछड़े जो हैं वो ऐसा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पे पहुंच रहे हैं। डेली बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है कोई ना कोई जानवर हमारे पास, एक दो। तो माशाल्लाह ये चेक करें, माशाल्लाह 3 खुरलियाँ हमारे पास ये फुल हो चुकी हैं, और एक बड़ी खुरली, सबसे बड़ी खुरली जो है हमारी वो सामने जिस पे फीमेल वगैरह हैं और बच्चे हैं और सब चारे वाले वो है। तकरीबन एक खुरली का माल जो है हमारे अंदर छोड़ा हुआ है छोटा, जिसमें गायें हैं नुमान साहब की, नईम साहब की, सिंह सांगड़ से, और हमारी अपनी गायें हैं, बच्चे हैं गायों के। तकरीबन 1 से 1.5 खुली का माल हमारा वो भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उनको भी बांधें तो फार्म हमारा जो है माशाल्लाह खुली खाली खाली ना बचे। तो बाकी जानवर माशाल्लाह आपके सामने हैं, चेक करें, जानवर माशाल्लाह खाने पीने में लगे हुए हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बुध वाले दिन हम बुध मंडी गए थे, लेकिन बुध मंडी जब गए हैं, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दूसरे नंबर पे हमारा जो था कि मंडी घूमें, पूरी मंडी घूमें फिरें, बड़े चक्कर लगाएं, लेकिन जानवर कोई ख़ास मिला नहीं हमें पसंद के मुताबिक, जैसे दोस्त बताते हैं उनकी ख्वाहिशा के मुताबिक, यानी कि ना कलर में था ना उस साइज़ में था। मेन चीज़ है कि उस साइज़ में भी नहीं था, जानवर हम सारे के सारे छोटे थे। वीडियो भी मैंने कल लगाई है आपके साथ शेयर की है, तो जानवर सारे वो 80,000 लाख रुपये और 1.5 लाख वाले थे। तो बड़ा जानवर बड़ी रेंज में अच्छा और खूबसूरत जानवर नहीं था, तो जिस वजह से जो है वो जानवर कोई भी नहीं ले सके। बाकी हमने कुछ बकरियां लेनी थी अपने फार्म के लिए, तो वो बकरियां तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर थी। वो बकरियां वाले जो थे वो पहले तो बड़ी जगह उन्होंने घिरी होती है, वहाँ पर लगा होता है एक मेला टाइप मंडी के अंदर एक साइड पर, तो आज वहाँ पर बिल्कुल खाली था कल। तो बाकी नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करें कि हम मदरसा मंडी पे अटेंड करें हफ्ते वाले दिन, या जो है वो मज़ीद मंडियां जैसे हमारी तरतीब है उस हिसाब से हम इंशाल्लाह ताला विज़िट करेंगे। जानवर बछड़े भी लेने थे हमने, और बकरियां भी हमने लेनी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लेंगे। और न्यू एंट्रियों का जो सिलसिला है वो दोस्त जो हमारे से लेना चाहते हैं वो सेल करेंगे उनको इंशाल्लाह ताला। बाकी जो न्यू एंट्रियों का सिलसिला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा। तो जानवर जो हैं माशाल्लाह चेक करें आप, आपके सामने हैं खूबसूरत माशाल्लाह तंदुरुस्त और फिटफाट कंडीशन में। ये वकास साहब के माशाल्लाह, और बछड़ी भी वकास साहब की अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मनीष साहब का 2026 के लिए। तो जानवर माशाल्लाह जो हैं हमारे पास 2026 के भी आ रहे हैं, और 26 के भी हमारे पास आर्डर हैं काफ़ी सारे। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमें 25 या 26 का कोई जानवर दोस्तों की ख्वाहिश के मुताबिक मिलता है तो वो हम दे देते हैं उनको। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटर फार्म के जो रेट होते हैं वो बिल्कुल मुनासिब होते हैं हमारे, वो व्यापारियों वाला हिसाब किताब नहीं है कि नीचे बिल्कुल गड्ढे में बैठ के हम वीडियो बनाएँ, जूम करके बनाएँ, और दूसरे नंबर पर इफ़ेक्ट लगाएँ, और तीसरे नंबर जो है वो वेट में फ़र्क आए। तो वो व्यापारी जो होते हैं वो बताते हैं कुछ हैं वज़न निकलता कुछ है, वीडियो जो होती है वो फ़िल्टर वाली होती है, जब फार्म पे आता है जो हम वीडियो देते हैं तो उसमें जो है वो काफ़ी यानी कि फ़र्क होता है कलर में, और बाकी हाइट शाइट जो है वो आप तसल्ली करें, अपनी मुकम्मल तसल्ली करें, वीडियो बग़ैर फ़िल्टर के लें, वज़न की बात लाजमी करें, तो जानवर जो है वो आप ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन भी। एहतियात करें, कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं दोस्तों की डीलें, तो उम्मीद है कि हमारे पास हफ्ते वाले दिन जानवर आएँ, अगर हफ्ते वाले दिन भी आएंगे या फिर बुध वाले दिन, तो जानवर जो है वो माशाल्लाह हमारे पास आते रहेंगे। बाकी हफ्ते वाले दिन हम भी मंडी जाएंगे इंशाअल्लाह, हमें मिला जानवर कोई अच्छा तो हम भी लेके आएंगे।
तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती प्लाई है, पूरे पाकिस्तान से सस्ती प्लाई। सबस चारे के ऊपर हमारा जो पैकेज है वो 13,000 रुपये, और सॉरी 10,000 रुपये, 10,500 रुपये पर मंथ। और जो बड़ा जानवर है, अगर कोई गाय टाइप या बड़ा बछड़ा है सबस चारे के ऊपर, तो उसका हम 13,500 रुपये लेते हैं सबस चारे के ऊपर। तो अगर आप वनडे के ऊपर प्लवाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो प्लाई का रेट वज़न के हिसाब से होता है हमारा। तो बाकी लोकेशन का अक्सर दोस्त कमेंट्स करते हैं कि लोकेशन बताएं अपनी। लोकेशन हमारी तहसील हासिलपुर है, ज़िला बहावलपुर है, पंजाब पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कुर्बानी के मौके पर जानवर हमारे डिलीवर होते हैं। ओवरऑल सारा साल चलते रहते हैं डिलीवरी का सिस्टम। अगर कोई दोस्त जब चाहे अपना जानवर मंगवा सकते हैं, मानते हैं दोस्तों की हमारे पास। तो बाकी हम खुद जो है वो डिलीवरी जो खुद जा के देते हैं वो जो है कुर्बानी के मौके पर, और अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर देते हैं, और बेहतरीन माशाल्लाह ऑर्गेनिक फीड के ऊपर अप्लाई हो रही है। वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट होती है हमारी, ये चेक करें माशाल्लाह। ये अदनान साहब फ्रॉम जर्मनी, और ये आ गया साथ मोहसिन साहब यूके से, उनका ब्राह्मण। और ये चेक करेंगे माशाल्लाह नवीद साहब फ्रॉम लाहौर से। ये भी मोहसिन साहब फ्रॉम यूके से, और ये फैसल साहब फ्रॉम कराची से। और ये आ गया जी आबद साहब फ्रॉम कराची से। ये चेक करें माशाल्लाह, तकरीबन ओवरऑल जानवर खा पी रहे हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, वो भी खुली चेक करें माशाल्लाह, लगे हुए हैं। ठंडा मौसम है आज, मौसम VIP था, बारिश नहीं हुई हमारे पास। ये जी हमारे सबस चारे वाले जानवर आ गए, ये वंडा डा रहे हैं, इसको ऑयल मिक्स किया हुआ है। मैं आया हूँ थोड़ा लेट, तो बाकी के जो जानवर थे उनको वंडा शना डाल दिया गया था, और इनका जो है वो मेरे सामने फिर मिक्स किया, और फिर जो है वो हमने इनको मिक्स करने के बाद वंडा ऑयल वाला दे रहे हैं। जो भी दोस्त घरों में या फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो सबसे बेस्ट यही तरीकाकार है कि आप इनको, जानवरों को बड़े हैं या छोटे हैं, आप इनको जो है वो वंडा लेके उसमें मिक्स करें ऑयल। अगर जानवर आपका बड़ा है तो आप उसको पाओ यानी कि 250 ग्राम, और अगर छोटा है तो आप उसको थोड़ा कम भी दे सकते हैं, 200 ग्राम या 150 ग्राम तक दे। और अगर बकरी वगैरह रखी हुई है आपने, तो बकरियों के लिए भी आप कम से कम, तकरीबन बकरी अगर बड़ी है तो उसको 100 ग्राम दें, और तकरीबन आपको ये लाजमी देना चाहिए। तो ये जी चेक करें माशाल्लाह जानवर, जैसे जैसे फीड पड़ी है और माशाल्लाह सारे के सारे जो है वो शुरू हो गए। ये चेक करें माशाल्लाह यादव साहब की, और ये हमारी आ गई। पैसे इन्होंने नहीं देना, अच्छा सही है। ये जी ब्राह्मण आ गई आगे, ये अशरफ साहब की, और ये गज़ल, और ये लगवा। इन्होंने वैसे नहीं देंगे या? अच्छा नाल देना देंगे, सही है। इनका वंडा जो है वो स्पेशल है, वो देते हैं हम इसको बगैर आल के। इनको जो है वो हम सरसों का आलू वगैरह वो नल के ज़रिए देते हैं। ये जी माशाल्लाह अशरफ साहब की, माशाल्लाह ये भी अशरफ साहब की आ गई। और ये हमारी है खालस साहब हैं जी कराची से, ये माशाल्लाह उनकी। और बाकी ये चेक करें माशाल्लाह, ओवरऑल सारे जानवर जो हैं वो माशाल्लाह खाने पीने में लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारी गाय आ जाएगी, अभी मिल्किंग होगी उसकी। तो बाकी ओवरऑल माशाल्लाह तमाम माशाल्लाह जानवर फिट फाट हैं, और माशाल्लाह बकरियाँ भी ठीक हैं, फिट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 से 9 बकरियां जो हैं वो हमारी डिलीवरी के लिए रेडी हो रही हैं। ये जी माशाल्लाह चेक करें, वो तकरीबन 2-2.5 महीने लेंगी तो डिलीवरी माशाल्लाह शुरू हो जाएगी। तो बाकी माशाल्लाह ओवरऑल सारे माशाल्लाह फिट हैं। ये खालस साहब की और अशरफ साहब की गाय का, वो भी अशरफ साहब की गाय की माशाल्लाह। और ये चेक करें, बाकी छोटी सी वीडियो इसको लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।